आज राजद के जन विश्वास महारैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है, जिसके लिए राजद कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जन विश्वास यात्रा के दौरान राजद के युवराज तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से आह्वान किया था कि 3 तारीख को होने वाली रैली में सभी शामिल होंगे। इसी को देखते हुए पटना सिटी के राजद नेता शैलेंद्र के नेतृत्व में राजद का एक जत्था पटना के गांधी मैदान के लिए निकल पड़ा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राजद नेता शैलेंद्र यादव। ये रैली हिंदुस्तान के तानाशाह प्रधानमंत्री जी को एक चेतावनी है कि आप जिस तरह से देश के मजदूरों, किसानों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो देश को सामंती प्रवृत्ति और अंग्रेजी हुकूमत की तरह शासन चलाना चाहते हैं, वो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। इस लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ, इस संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ आज तेजस्वी जी का आह्वान पर पूरे बिहार के करोड़ों करोड़ लोग गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं और ये पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि उन विरोध में देश की जनता अब जान चुकी है। बोलते हैं लगातार तेजस्वी यादव जी का और राजद का कहना है कि हमने जो 17 सालों में बीजेपी नहीं कर पाई वो 17 महीनों हमने कर दिया, लेकिन बीजेपी इसको पलटू चाचा कहते थे कि अरे सरकारी नौकरी देने के लिए पैसा तो बाप से लेंगे। इन्होंने तेजस्वी जी ने पूरे बिहार के युवाओं को एक संदेश दिया कि युवाओं अब तुम्हें कोई ठगने वाला नहीं रहेगा, अब तुम्हारे काम पर, तुम्हारे उम्मीद पर, तुम्हारे उड़ान के लिए तेजस्वी खड़ा हो गया है। और 17 वर्षों के शासन में उन्होंने 3 लाख नौकरियां सरकारी नौकरी देकर एक इतिहास कायम किया है। 17 वर्षों में अनुबंध की नौकरी को तोड़कर अस्थाई नौकरी